बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास हमने फिशेस स्टार्ट की हुई हैं, तो हमारा जो जनरल इंट्रोडक्शन था फिशेस का, कंप्लीट क्लासिफिकेशन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट सर्वे जो है, मेजर ग्रुप्स वगैरह, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उसमें कंप्लीट कर लिया था। और जो सेकंड लास्ट वीक में हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें फिशेज जो है इसके डिफरेंट सिस्टम की बातें शुरू की थी, यानी टॉपिक जो है। आज का जो बच्चे हमारे पास टॉपिक है फिशेज के अंदर, नेक्स्ट जो सिस्टम है या नेक्स्ट जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह आएंगे या बॉडी सिस्टम्स हैं, मेंटेनेंस फंक्शंस वगैरह, उसमें है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इन फिशेस की अगर बात करें तो चूंकि बच्चे आपको पता है कि फिशेस जो है वो वर्टिब्रेट है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन बच्चे कि जो ब्लड है, जो फ्लूइड है बॉडी का, वो बाकायदा जो है वो किन में मौजूद है, वो ब्लड वेसल्स में या वेसल्स में मौजूद है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच अ हार्ट पंप ब्लड। अब ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चे, इसके डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें एक दिल आ जाता है, और दिल जो है ये एक पंपिंग ऑर्गन या पंपिंग स्ट्रक्चर है। हार्ट पंप्स ब्लड विद रेड ब्लड सेल कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, और वो ब्लड जो पंप कर रहा है विद रेड ब्लड सेल कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन यानी एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरिंग का काम करती है थ्रू अ सीरीज ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो ये टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स, यानी एक दिल है और दिल जो है वो पंपिंग स्ट्रक्चर है, काम उसका ब्लड सेल, और हीमोग्लोबिन यानी जो मेन उसमें कंपोनेंट है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो है वो रेड ब्लड सेल के पास मौजूद है, और ये सारे का सारा फ्लूइड जिस ट्रेवल करता है उनको वेसल्स कहते हैं। तीन तरह की हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम में बच्चे देख भी सकते हैं, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर ये जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद गिल कैपिलरीज भी हैं और बॉडी कैपिलरीज भी हैं। उसके बाद आर्टरीज और वेन जो है इनके कलर डिफरेंट यानी वो बनाए हुए हैं। द एवोल्यूशन ऑफ लंग्स इन फिशेज वाज पैरेलल बाय द चेंजेस इन वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चूंकि बच्चे एक फिशेज का ग्रुप लंग फिशेज पे भी है, तो जिसमें लंग्स बने और उसके बाद बाकी वर्टिब्रेट में भी लंग्स बनने का अमल शुरू हो गया या लंग्स बन गए, तो यहाँ पे यह है कि एवोल्यूशन ऑफ लंग्स जो थी फिशेज के अंदर वो पैरेलल थी यानी साइड बाय साइड थी इन वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो डिफरेंट तब्दीलियाँ आई, डिफरेंट चेंजेस आई। दी चेंजेस आर एसोसिएटेड विद दी लॉस ऑफ गिल्स, जिनमें लंग्स बन गए बच्चे उनमें गिल्स का काम खत्म हो गया, चूंकि गिल्स का काम ही गैसेस एक्सचेंज में है और लंग्स भी गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा लेते हैं। दी चेंजेस आर एसोसिएटेड विद दी लॉस ऑफ गिल्स, डिलीवरी ऑफ ब्लड टू दी लंग्स, जो लंग फिशेज हैं ये उनकी बात हो रही है। तो पहले ब्लड की ऑक्सीजनेशन के लिए उनको गिल्स की तरफ भेजा जाता था, अब जब लंग्स बन गए तो गिल्स की बजाय उसको लंग्स की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है। एंड सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इन दी हार्ट। और इसी तरह जो लंग फिशेज हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको भी अलहदा किया गया। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन अभी तक सर्कुलेशन का बच्चे, इसी को कंटिन्यू करते हुए
वर्टिब्रेट हार्ट डिवेल्प फ्रॉम फोर एम्ब्रियोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा की वर्टिब्रेट का जो हार्ट है, वेंट्रल वेंट्रल एओर्टा वर्टिब्रेट हार्ट जो है डिवेल्प हुआ फोर एम्ब्रियोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल साइड पे जो एओर्टा एओर्टा बचे बड़ी ब्लड वेसल जो है, यानी जिसका डायमीटर वगैरह ज्यादा होता है उनको एओर्टा, तो उसकी जो चार एम्ब्रियोलॉजिकल इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रल एओर्टा, यानी चार तरह के वेंट्रल एओर्टा की इनलार्जमेंट से बना इन फिशेस। अगर हम फिशेस की बात करें, ब्लड फ्लो फ्रॉम दी वेनस सिस्टम थ्रू दी थिन वॉल्ड साइनस वेनोसिस इन टू दी थिन वॉल्ड मस्कुलर एट्रियम, यानी ब्लड फ्लो जो फिशेस के अंदर होता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम दी वेनस वीनस सिस्टम, यानी वेन जो है आपको पता है बच्चे, वेन्स ब्लड को दिल की तरफ लेके आती हैं और आर्टरीज ब्लड दिल से अवे लेके जाती हैं। तो वीनस सिस्टम से ब्लड इंटर होता है थिन वॉल्ड साइनस वीनोसिस में, और वहां से ब्लड जो है वो साइनस वीनोसिस से इनटू द थिन वॉल्ड मस्कुलर एट्रियम। एट्रियम में जो कि मस्कुलर है, मस्कुलर होने से उसमें एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके, और फ्रॉम द एट्रियम वहां से ब्लड फ्लोज इनटू लार्जर मोर मस्कुलर वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम से बड़ा वेंट्रिकल है साइज में, मस्कुलर है वो भी। द वेंट्रिकल इज प्राइमरी पंपिंग स्ट्रक्चर, दिल में बचे प्राइमरी पंपिंग स्ट्रक्चर है, यानी ये जब पंप करता है तो ब्लड को ये पुश करता है बॉडी की तरफ जो है, हमारे भी वेंट्रिकल जैसे। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इंटीरियर टू द वेंट्रिकल इज द कॉनस आर्टेरियोसिस विच कनेक्ट द वेंट्रल एओर्टा। अच्छा, कॉनस आर्टेरियोसिस है इसके फौरन बाद जो है, वेंट्रिकल के बाद, और फिर ये कॉनस आर्टेरियोसिस जो है ना वो वेंट्रल एओर्टा से अटैच हो जाता है। जैसे बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में एरोस भी लगे हुए हैं, यानी आप देख सकते हैं ब्लड की फ्लो का। तो यहाँ से वीनस यानी वेन के जरिए से ब्लड आ रहा है साइनस वीनोसिस, यानी एक पहला चैम्बर है। आप समझ लें कि पहला ये एक चैम्बर कह लें, खाना कह लें आप, या ये रिसीविंग स्ट्रक्चर है साइनस विनोसिस। वहां से ब्लड जा रहा है एट्रियम में, ये एट्रियम है, और वहां से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में, एरोज लगे हुए हैं, और वहां से कॉनस आर्टेरियोसिस, फिर वेंट्रल एओर्टा में ब्लड चला जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरे नंबर पे टेलियोस्ट एक ग्रुप है फिशिस का बच्चे, द कॉनस आर्टेरियोसिस इज रिप्लेस बाई एन एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रल एओर्टा कॉल्ड द बुल्बस आर्टेरियोसिस। जो टेलियोस फिशेज हैं बच्चे, उनके अंदर कॉनस आर्टेरियोसिस की बजाय एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके वो बल्बस आर्टेरियोसिस कहते हैं। तो अगर आप पिछली डायग्राम देखें तो वो इलेजमो बैंक की बात हो रही थी, और ये जो है वो टेलियोस की बात हो रही है, कि कॉनस आर्टेरियोसिस जो है वो बुल्बस आर्टेरियोसिस से रिप्लेस कर दिया गया बाय द पैसेज ऑफ टाइम, यानी एवोल्यूशन हुई। जैसे जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉनस आर्टेरियोसिस, कर्सर से आपको दिखाने कोशिश कर रहा हूँ कि ये वेंट्रिकल के बाद आया, तो इसी तरह जो बुल्बस आर्टेरियोसिस है ये आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल के बाद आया। बात वही है बच्चे, ये वीनस यानी वेन से ब्लड जो है वो सबसे पहले साइनस वीनोसिस में, वहां से एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, वहां से फिर जो है वो बुल्बस आर्टेरियोसिस। तो ये यानी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है बाय पैसेज ऑफ टाइम, इसमें मजीद मॉडिफिकेशन आई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ब्लड की फ्लो जो है वो दिल से गिल्स की तरफ, और गिल्स से फिर बाद में बॉडी की तरफ,
और ये बात याद रखिएगा बच्चे कि फिशेस का ब्लड में होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी ऑक्सीजन उसमें बहुत थोड़ी मिकदार में होती है, और उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजनेशन के लिए भेजा जाता है गिल्स की तरफ, वहां पे वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो लेता है, और लेने के जो है वो बाद में क्या करता है बच्चे, बाद में वो ऑक्सीनेशन के बाद वो बॉडी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ब्लड इज कैरिड बाय द वेंट्रल एओर्टा टू एफरेंट वेसल्स लीडिंग टू द गिल्स। तो यहाँ पे बच्चे के ब्लड इज कैरिड बाय द वेंट्रल एओर्टा, वो जो लास्ट पे बुल्बस आर्टरियोसिस या कोनस आर्टरियोसिस जो है उसके बाद वेंट्रल एओर्टा से ब्लड भेजा जाता है किसकी तरफ, गिल्स की तरफ। तो उसके बाद दीज वेसल्स ब्रेक इनटू कैपिलरीज, और गिल्स के अंदर ये जो एओर्टा है ये कैपिलरी बेड बनाता है। कैपिलरी जो है बच्चे सिंगल सेल थिकनेस होती है, तो मटेरियल का ट्रांसफर जो है खास तौर पे ऑक्सीजन का बहुत तेजी से होता है। दीज वेसल ब्रेक इनटू कैपिलरीज एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, और वहां पे कैपिलरीज बेड जो है वो वहां से जो पानी उनमें से फ्लो करता है उसमें से वो ऑक्सीजन निकालता है। जब अगला टॉपिक इसी लेक्चर में हम गैस एक्सचेंज पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगी इसकी। तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो दिखाया जा रहा है, और एरोज जो है वो मुसल आपको नजर आ रहे होंगे वो करते हुए। ब्लड इज देन कलेक्टेड बाई एफरेंट वेसल्स, उसके बाद यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ से, गिल से इफरेंट वेसल जो है इकट्ठा करती हैं और डिलीवर टू दी डोर्सल एओर्टा, और वहां से डोर्सल एओर्टा जो डोर्सल साइड पे है वहां पे, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू दी बॉडी वेयर इट इंटर सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज। वहां से ये बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज हैं यानी जो बॉडी के सेल्स हैं वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और हमेशा याद रखें कि एक्सचेंज गैस एक्सचेंज है वो कैपिलरी लेवल पे होती है। ब्लड देन रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द वीनस सिस्टम, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ब्लड जो है वो रिटर्न होता है कहाँ से, रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द वीनस सिस्टम, और दोबारा जिस्म से खून जो है ना वो वापस दिल में आता है, लेकिन वो ऑक्सीजन उसमें कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बहुत कम होती है, या आप कह लें कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो दिल में आता है। यानी हमारे में और फिशेज में फर्क ये है, इनको सिंगल सर्किट हार्ट भी कहते हैं, यानी एक ही तरह का ब्लड है और सिंगल टाइम ये सर्किट जो है वो चल रहा है। तो ये यहाँ पे इस स्लाइड में बड़ा वाजे बताया गया। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें बच्चे, क्योंकि हम फिशेस की ओवरऑल ओवरव्यू देखेंगे तो इन मोस्ट फिशेस, ज्यादातर फिशेस में ब्लड पासे थ्रू द हार्ट वंस विद एवरी सर्किट अराउंड द बॉडी, इसीलिए इसको सिंगल सर्किट हार्ट कहते हैं। कि ज्यादातर फिशेस का केस जो है लंग फिशेस के अलावा ब्लड एक ही दफा जो है वो दिल में से पास ऑन होता है। अ फ्यू फिशेस फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हम लंग फिशेस की बात करें, हैव लंग्स एंड द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इज अल्टर्ड, तो इनमें लंग्स होते हैं बच्चे, जो लंग फिशेस हैं जिनके हमने तीन जेनरा जो है बड़ी डिटेल में जब हमारी थ्योरी की क्लास हुई फिजिक्स तो उस वीक में हमने पढ़ी, जिसमें एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी, एक अफ्रीका में और एक अमेरिका में मौजूद है। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं बच्चे कि गिल्स किस में मकसद, गिल्स का मकसद भी गैस एक्सचेंज है और लंग्स का मकसद गैस एक्सचेंज है, लिहाजा इनमें लंग्स बन गए तो इनके गिल्स जो है वो खत्म हो गए, तो अब इनके ब्लड का फ्लो जो है वो गिल्स की बजाय वो लंग्स की हो गया। तो यहाँ पे वही बात वो बता रहा है कि फ्यू फिशेज जैसे कि लंग फिशेज है हैव लंग्स एंड द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इज ऑल्टर्ड, तो वो सर्कुलेशन का पैटर्न जो पहले गिल्स की तरफ जाता था अब वो लंग्स की तरफ चला गया। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन दीज फिशेस, यानी लंग फिशेस की बात हो रही है, इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज एन इम्पोर्टेंट
प्री अडॉप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो ये पहली अडॉप्टेशन थी यानी बनना, चूंकि ये टेरेस्ट्रियल यानी खुश्की की तरफ मूव कर रहे थे। इन द लंग फिश इज सर्कुलेशन टू गिल्स कंटिन्यूस बट अ वेसल टू द लंग्स हैज डेवलप्ड एज अ ब्रांच ऑफ एओर्टिक आर्च। दिस वेसल इज नो कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, इसी तरह ब्लड से जो दिल से ब्लड लेके जा रही है, जैसे हमारी एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो यही पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या करती है, वो ब्लड लंग्स की तरफ लेके जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चे, लंग फिशेज है इनका, तो तीन उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको रेड दिखाया, डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू दिखाया, और मिक्स जो था उसको जो है वो पर्पल कलर जो है वो शो किया गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो दिल जो है इसके खाने जैसे एट्रिया वेंट्रिकल वही वैसे ही, और फिर गिल्स दिखाए बच्चे उस तरफ भी जा रहा है कौन वाला ब्लड जो है। लेकिन इसे जो एट्रिया है गिल्स की तरफ जो गया है, वहीं से एक जो है वो निकली ब्रांच जो है वो लंग तरफ आई, तो उसने गिल्स को बाईपास कर दिया, यानी गिल्स जो है उनको बाईपास करके वो लंग्स की तरफ आई। और आप देख सकते हैं कि जो लंग्स में ब्लड वेसल आई उसका कलर जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड से मैच करता है। जैसे ही वो लंग्स में आई और वहां से ये आप देख सकते हैं कि रेड कलर का यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा एट्रिया वेंट्रिकल में आया। तो आप कह सकते हैं कि जो लंग फिशेज है इनके अंदर जो है वो दोनों सर्कुलेशंस हैं, यानी ब्लड गिल्स की तरफ भी जाता है और ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ भी जा रहा है। तो ये हमारे पास लंग फिश की सर्कुलेशन जो है वो मौजूद है। उसके बाद अगला जो है यहाँ पे इसी सर्कुलेशन को अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे है कि ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड इंटर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो फिशेस की बात हो रही है बच्चे, इनमें वो पार्शली जो है वो डिवीजन होना शुरू हो गई थी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो है ना वो डिफरेंट फिशेस जो है ना उनका एक कंपैरिजन किया हुआ है। सबसे पहले लैम्प्रेज है, लैम्प्रे यानी वो जो एगनाथन थे यानी ए नाथा थे, जिनके मैंडिबल्स वगैरह नहीं थे, पेड अपेंडिजेस नहीं थी। फिर शार्क की बात हुई बच्चे, और उसके बाद बोनी फिशेस की बात हुई, और उसके बाद लंग फिशेस जो है उनकी बात हुई। तो आप यहाँ पे बड़ी डिटेल से जो है वो देख सकते हैं। लैम्प्रे, शार्क, बोनी फिशेस और लंग फिशेस, ये इनके दिल के स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं फिश के अंदर। लैम्प्रे में आप सिंपली देख सकते हैं कि साइनस विनोसिस है, एट्रियम है, वेंट्रिकल है और बुल्बस आर्टरियोसिस है, जबकि शार्क के अंदर वो बुल्बस की बजाय कॉनस आर्टरियोसिस है, जबकि बोनी फिशेस जो है उनके अंदर अगर देखें तो वो बुल्बस आर्टरियोसिस है कॉनस आर्टरियोसिस की बजाय, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही। लेकिन जो लंग फिशेज है इसमें जरा देखने वाला है, पल्मोनरी वेन जो है वो नजर आ रही है, और फिर एट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो पार्शली जो है उसकी पार्टीशन होना शुरू हो गई, यानी एवोल्यूशन हो रही है। दी एट्रियम ऑफ एंड वेंट्रिकल ऑफ द लंग फिशेज हार्ट आर पार्शली डिवाइडेड। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कि लंग फिशेज जो है इनके एट्रियम और वेंट्रिकल जो है वो पार्शली डिवाइडेड होना शुरू हो गए। उसके बाद दीज पार्शियल डिवीजन हेल्प कीप लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेपरेट फ्रॉम द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये जो पार्शली डिवीजन है बच्चे, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद तो यही है कि ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, यानी जो पार्टीशन है पर्दा है जैसे हमारे में है, राइट और लेफ्ट एट्रियम, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका मकसद जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या करना है, वो उसको अलग करना है। तो उसके बाद अगला जो है हमारे पास द एट्रियम
अभी बात की कि वेंट्रिकल जो है लंग फिशेस का पार्शली डिवाइड हुआ, और इस डिवीजन के नतीजे में जो ऑक्सीजनेटर और डीऑक्सीजनेटर ब्लड जो है उसको काफी हद तक अलग किया गया। स्पाइरल वाल्व इन दी कोनस आर्टेरियोसिस, तो यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसिस आप देख सकते हैं, इसमें ये वाल्व लगे हुए हैं। तो वाल्व का काम क्या होता है, वो एक तरफा ब्लड जो है उसका बहाव मुमकिन बनाता है। तो स्पाइरल वाल्व इन द कोनस आर्टेरियोसिस हेल्प डायरेक्ट ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू द रिमेनिंग एओर्टिक आर्चेस, यानी ये ब्लड का बहाव एक तरफा बनाते हैं। दस द लंग फिश शो अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमेटिक सर्किट। दो तरह की सर्कुलेशन होती है बच्चे बॉडी में, आपको पता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, एक पल्मोनरी होती है, पल्मो रिलेटेड टू लंग्स होती है, जो लंग्स की तरफ और दिल और लंग के दरमियान जो सर्कुलेशन हो रही है, और एक सिस्टमेटिक होती है, यानी जो बकिया बॉडी और दिल के दरमियान जो सर्कुलेशन हो रही है उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम था बच्चे, जनरल सा हमारे जो सिलेबस में है फिशेस का। यहाँ पे डिफरेंट हार्ट के पार्ट्स जो है उनका जिक्र हुआ, और किस तरह एवोल्यूशन हो रही है वो डिटेल से बात हुई बच्चे। अब आगे अगर हम मूव करें तो इसी का ही सेगमेंट है, इसके रिलेटेड गैस एक्सचेंज, यानी सर्कुलेशन के साथ साथ गैस एक्सचेंज, यानी जो गैसेस एक्सचेंज होती है, जैसे हमारे केस में है कि ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड वो कैसे बनता है कि उसमें से ऑक्सीजन निकाल जाती है। तो अब यहाँ पे फिशेस के अंदर किस तरह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको ऑक्सीजनेशन की जाती है, इसके बारे में है। तो फिश जो है लिव इन एन एनवायरमेंट दैट कंटेन लेस देन 2.5% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ पे बच्चे के फिशेज जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहती है दैट कंटेन लेस देन 2.5% ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, यानी अगर हवा फिजा के साथ इसका कंपैरिजन करें तो लेस देन 2.5% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है पानी में। तो मरुजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आपने ये याद रखना है। और वैसे बच्चे अगर हम देखें तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डिफरेंट गैसेस जो है तो सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, उसके बाद मतलब डिफरेंट गैसेस जो है उनकी कंसंट्रेशन है। तो पानी में इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत कम है, लेस देन 2.5% जो है। तो इतनी कम कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन हासिल करना जो है, तो फिर फिशेज जो है उन्होंने डिफरेंट अडाप्टेशन की टू मेंटेन एडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन देयर ब्लड स्ट्रीम। फिशेज मस्ट पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अक्रॉस गिल सरफेस एंड एक्सट्रैक्ट द स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। तो फिश फिर क्या करती है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि वो मुसलसल गिल्स की तरफ ब्लड को भेजती है, और वहां पे पानी जो है वो आ रहा होता है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए से वो गैस एक्सचेंज जो है वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड पानी को दे दी जाती है और पानी से ऑक्सीजन ले ली जाती है। यानी इस तरह ये एक बड़ा ही जबरदस्त कुदरत का जो है वो अल्लाह ताला का एक निज़ाम बनाया हुआ है फिशेज की बका के लिए। मोस्ट फिशेज हैव मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म टू मूव द वाटर इनटू द माउथ एंड फेरिंग्स ओवर द गिल्स एंड आउट ऑफ द फिश थ्रू गिल ओपनिंग। तो बहुत सारी फिशेज जो है ना उसके पास ऐसा कोई पंपिंग मैकेनिज्म है जिससे वो पानी को अपने मुंह के अंदर लेके जा सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। और मसल सराउंडिंग द फेरिंग्स एंड द अपर कुलर कैविटी विच इज बिटवीन द गिल एंड द अपर कुलम पावर दिस पंप। तो जो मसल मौजूद है फेरिंग्स और अपर कुलर कैविटी जो है, यानी अपर कुलर कैविटी जो अपर कुला के नीचे खला मौजूद है, उनके दरमियान जो मसल है वो इस मूवमेंट को जो है वो रेगुलेटर करते हैं। इस स्लाइड में अगर आप देखें कि सम इलेजनोब्रैंक जो है एंड ओपन ओशन बोनी फिशेस सच एज द ट्यूना मेंटेन वाटर फ्लो बाय होल्डिंग देयर माउथ ओपन व्हाइल स्विमिंग। दिस मेथड इज कॉल्ड रैम वेंटिलेशन। तो रैम वेंटिलेशन है बच्चे के सम इलेजनोब्रैंक है, जैसे वो क्या करती हैं कि वो या दूसरी बोनी फिशेज जो ओशन में रहती हैं जैसे ट्यूना वगैरह है, तो वो अपने मुंह को खोल के रखती हैं, और बाय होल्डिंग देयर माउथ ओपन वाइल स्विमिंग,
जब वो स्विम करती हैं तो अपने मुंह को खोल लेती हैं और पानी तेजी से मुंह में दाखिल हो रहा होता है, जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये माउथ ओपन किया हुआ है और यहाँ पे इसी डायग्राम में और जो ऑपरकुलर वेल्व है वो बंद है, तो इस तरह ये पानी जो है वो आ रहा है, ठीक है, वो ये उसकी डायरेक्शन है। फिर बाद में वो माउथ को क्लोज करती हैं और ये जो वेल्व है अपरकुलर कैविटी के वेल्व उनको ओपन कर लेती हैं और इस मुसलसल अमल से जो है वो अपने ब्लड में से ऑक्सीजन की लेवल जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती हैं फिशेज जो है। तो ऐसे ही एलास ब्रैंक जो है डू नॉट हैव अपर कूलर टू हेल्प पंप वाटर, जो एलास्मो ब्रैंक्स है ना उनमें अपर कूलर नहीं है, ठीक है, डू नॉट हैव अपर कूलर टू हेल्प पंप वाटर, तो अब उनके लिए ये मुश्किल है। एंड देयर फॉर सम शार्क मस्ट कीप मूविंग टू सर्वाइव, जैसे शार्क्स वगैरह हैं तो इनके अंदर क्या है, अदर मूव वाटर ओवर देयर गिल्स विद पंपिंग मैकेनिज्म सिमिलर दैट जस्ट डिस्क्राइब, यानी ये तो वो फिशेज हैं जिनमें अपरकुला नहीं है, उन्होंने फिर क्या करना है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो जो बकिया फिशेज हैं वो जैसे अभी बताया कि वो पानी को मुंह में लेके जाते हैं और फिर बाद में गिल्स के जरिए से निकाल देते हैं और ऑक्सीजन का तबादला जो है वो होता रहता है। रादर देन यूजिंग एन ऑपरकुलम इन द पंपिंग प्रोसेस, यानी ये बात हो रही है इलास्मोब्रैंक जैसे शार्क वगैरह की, इनके पास रादर देन यूजिंग ऑपरकुलम, क्योंकि ऑपरकुलम तो है नहीं पंपिंग प्रोसेस, हाउ एवर दीज फिशेज हैव गिल बार्स, इनके पास गिल बार्स होती हैं विद एक्सटर्नल फ्लैप दैट क्लोज एंड फॉर्म अ कैविटी फंक्शनली सिमिलर टू ऑपरकुलर कैविटी ऑफ अदर फिशेज। तो इनके पास जो है ना वो सिंपली गिल बार्स होती हैं, ठीक है, यानी गिल्स जो है उसकी बार्स यानी सुलाखें जो है वो बनी हुई बोनी मटेरियल जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ, चूंकि ये शार्क वगैरह की बात हो रही है तो कार्टिलेजनेस फिशेज है तो उनका इस्तेमाल करती है विद एक्सटर्नल फ्लैप, फ्लैप हम टुकड़े को कहते हैं यानी हिस्सा जो है उससे, दैट क्लोज एंड फॉर्म अ कैविटी फंक्शनली सिमिलर टू द अपरकुलर कैविटी, और ये ऐसे बना लेती है कि वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है जैसे अपरकुलर कैविटी जो है वो परफॉर्म कर रही है। उसके बाद स्पाइरेकल्स, इनके अंदर जो है वो स्पाइरेकल्स होता है, आर मॉडिफाइड फर्स्ट फेरेंजियल स्लिट दैट ओपन जस्ट बिहाइंड द आई ऑफ एलास्मोब्रैंक एंड आर यूज एन अल्टरनेट रूट ऑफ वाटर एंटरिंग द फेरिंग्स। तो यहाँ पे बच्चे स्पाइरेकल ये दिखाया गया है आपको डायग्राम में, तो इससे काम क्या लिया जाता है कि आर मॉडिफाइड फर्स्ट फेरेंजियल स्लिट, तो फेरिंग्स जो है उसकी पहली स्लिट ओपनिंग जो है उसकी मॉडिफिकेशन है दैट ओपन जस्ट बिहाइंड द आई, और ये ओपन होती है आंख के बिल्कुल पीछे, एलास्मोब्रैंक्स आर यूज एज एन अल्टरनेट रूट फॉर वाटर इंटरिंग दी फेरिंग्स, यानी ये रास्ता अख्तियार किया जाता है मुंह के अलावा जो है वो फेरिंग्स के अंदर पानी की इंट्री का, ये एलास्मोब्रैंक्स की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद गैस एक्सचेंज चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो गैस एक्सचेंज हो कहाँ पे रही है, अक्रॉस गिल सरफेस इज वेरी एफिशिएंट, तो यहाँ पे गिल की सरफेस से गैस एक्सचेंज जो है वो बड़ी ही एफिशिएंट हो रही है। गिल आर्चेस सपोर्ट गिल्स, यानी गिल आर्चेस जो है आर्क जैसे कमान होती है आप देख सकते हैं इसको, ये गिल आर्क आपको डायग्राम में नजर भी आ रही होगी, बड़ी क्लियर कट इसकी डायग्राम बनी हुई है। और गिल रैकर बच्चे जैसे कील होते हैं, यानी ये बॉडी में पेवस्त हो जाते हैं जिससे गिल जो है वो मजबूत रहता है, और गिल फिलामेंट है यानी प्रोजेक्शन है गिल की, गिल फिलामेंट, तो इन आगे जाके इनकी डिटेल आएगी अभी। गिल आर्केस सपोर्ट गिल्स, गिल फिलामेंट एक्सटेंड फ्रॉम ईच गिल आर्क एंड इंक्लूड वास्कुलर फोल्ड्स ऑफ एपिथीलियम कॉल्ड फेरेंजियल लैमेली, इनमें फेरेंजियल लैमेली जो है वो भी मौजूद होते हैं। अब फेरेंजियल लैमेली क्या है, तो वो भी यहाँ पे बच्चे के फेरेंजियल लैमेली जो है वो जो गैस एक्सचेंज है ना वो उसमें हेल्प आउट करती है लैमेली। ऐसे बच्चे समझ लें आप, अगर मैं आपको तशबीह दूं कि हमारा एक हाथ जो है अगर आप अपने दाएं हाथ को देखें तो इसके पास हमारे एक हाथ के पास जो है ना हमारी एक पाम है जिसको हथेली कहते हैं,
और उसके साथ जो है वो हमारी उंगलियां जो है वो लगी हुई हैं। ठीक है, आप ऐसा कंसीडर करें कि जो हमारी फिंगर्स या टोज जो हैं, जो उंगलियां हैं, इनकी बेस जो है वो क्या है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसे आर्क होती है, जैसे कमान होती है, तो वो गिल आर्क समझ लें। और ये उंगलियां जो हैं इनकी जो नीचे बोन्स हैं वो समझ लें गिल रैकर हैं, जिनसे ये हाथ के साथ जुड़ी हुई हैं। और इन उंगलियों में आप समझ लें कि अगर आपने अंगूठियां जो है वो डाली हो इन उंगलियों में, जैसे अंगूठियां पहनते हैं, तो ऐसे अंगूठियां जो पहनी हुई हैं वो ये उंगली जो है वो हमारे पास गिल फिलामेंट है, और जो अंगूठियां हैं वो गिल लैमिली हैं। ठीक है, ये एक तशबीह देने के लिए कि हमारा एक हाथ है, इस हाथ की जो उंगलियों की बेस पे जो हमारा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे उंगलियों की बेस है, तो उसको हमने आर्क यानी एक कमान से तशबीह दी, और वो उंगलियां जो हैं वो बॉडी से कैसे जुड़ी हैं, गिल आर्क के जरिए से, और उंगलियों को हमने तशबीह दी कि ये गिल फिलामेंट्स हैं, और अगर हम अंगूठियां पहन लें तो वो क्या है, वो गिल लैमिली है। और ये बात याद रखिएगा बच्चे के, गिल लैमिली वो स्ट्रक्चर है यहाँ पे गैस एक्सचेंज पॉसिबल है, यानी वो वहां पे कैपिलरी बेड मौजूद होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे गिल रैकर दिखाया गया पहले, तो बच्चे वो फिश फिश की बॉडी में से गिल को निकाला गया, फिर गिल रैकर दिखाया गया, फिर गिल फिलामेंट यानी ये जो प्रोजेक्शंस है। ठीक है, अब एक गिल फिलामेंट जो है ना उसको बड़ा करके दिखाया आपको, ये निकाल के स्ट्रक्चर दिखाया, तो ऐसे ये 1 2 3 यानी आपको जो सी सेक्शन के करीब नजर आ रही हैं, तो इसमें आपको आ, आ, ब्लू और रेड कलर नजर आ रहा है, तो ये कैपिलरीज का बेड है। यहाँ पे ये रास्ते बने हुए हैं, ब्लड फ्लो कर ब्लड और वाटर एक दूसरे के अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, तो ये लैमेली है मौजूद है। कर रहा है जैसे ये ब्लू और रेड आपको नजर आ रही हैं, तो ये वेसल्स हैं, ब्लू जो है डीऑक्सीजनेटेड वाली और रेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। द आर्टरीज ब्रेक इनटू कैपिलरी बेड इन फेरेंजियल लैमेली, जो फेरेंजियल लैमेली है वहां पे ये आर्टरी जो है वो ब्रेक करती है कैपिलरी बेड में। उसके बाद यहाँ पे बच्चे गैस एक्सचेंज जो है वो कैसे होती है, ये एक गिल लैमेली आपको बड़ा करके दिखाया गया, तो यहाँ पे ये है कि वाटर फ्लो ओवर द लैमेली शोइंग ऑक्सीजन पर। देख सकते हैं कि ये मसलसल जो है वो कम होते जा रही है, 100% है, 70% है, 40% है, 15% है, और इसका कलर जो है वो भी डार्क से जो है वो लाइट होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह जो ब्लड है, ब्लड फ्लो थ्रू द लैमेली शोइंग ऑक्सीजन की परसेंटेज, आप देख सकते हैं कि पहले 5% ऑक्सीजन थी, फिर 30% होगी, 60 होगी, 90%। ये एरो जो लगे हुए हैं रेड कलर के आपको दिखा रहे हैं, ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए से हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन जो है ना उसको क्या किए जा रही है, वो शिफ्ट किए जा रही है। इस तरह जो है यानी 5% से ब्लड जो है जिसमें से 5% ऑक्सीजन थी, जब वो गिल लैमेली को छोड़ता है तो उसमें 90% ऑक्सीजन, यानी ये समझने के लिए, तो गैस एक्सचेंज जो अकर एज ब्लड एंड वाटर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये भी याद रखें कि ब्लड और पानी जो है वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, आइदर साइड ऑफ द लैमेलर एपिथेलियम। दिस काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म प्रोवाइड वेरी एफिशिएंट गैस एक्सचेंज बाय मेंटेनिंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड एंड द वाटर ओवर द एयर लेंथ ऑफ द कैपिलरी बेड, यानी ये प्रोसेस चलता रहता है। आप इस डायग्राम में काउंटर करंट एक्सचेंज देख सकते हैं कि वाटर है यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया गया, और रेड कलर में आपको वो ब्लड दिखाया गया गिल्स के अंदर जो है। तो यहाँ पे जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ 100% ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आप परसेंटेज भी देख सकते हैं कि यानी ये डॉट 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 जो लगे हुए हैं 100%, और जब ऑक्सीजन मतलब पानी गिल्स में से बाहर निकलता है तो 5% ऑक्सीजन रह जाती है, और जब ब्लड इंटर हुआ गिल्स में 0% ऑक्सीजन है,
और जब निकलता है तो 95% जो है वो ऑक्सीजन हो जाती है। तो ये तो था हमारा, अगर टॉपिक देखें तो ये गैस एक्सचेंज और सर्कुलेशन जो है फिशेस की, इस पे मुश्तमिल था। तो ये यानी हमारे पास मेंटेनेंस फंक्शन में आ जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उनमें रीड आउट करेंगे बड़ी डिटेल के साथ।